सर कौन सा बिजनेस चलता है और मार्केट में जो है सबसे ज्यादा जो गर्मियों में बिजनेस चलने वाला है वो कौन सा है। तो गर्मियों का सीजन आने वाला है, तो गर्मियों के सीजन में हमारे पास बहुत सारी 15 से 20 मशीनें हैं। ये ऐसा बिजनेस आइडिया है, एक ये ऐसी मशीनरी है, ऐसा सेटअप है जो गर्मियों में बहुत चलता है, और लेकिन गर्मियों के सीजन के अंदर, समर सीजन के अंदर इतना चलता है कि आपके पास कस्टमरों की लाइन लगने वाली है। तो हमारे दर्शकों को एक ऐसी मशीन की जरूरत है जिसके अंदर मेहनत कम हो, लागत कम हो और मुनाफा बहुत ज्यादा हो। ये आज मैं आपको उसमें उनमें से 15 से 20 मशीनों में से एक ऐसी मशीन देता हूँ जिसको चलाना इतना आसान है और जिसका माल, कच्चा माल बनाना भी बहुत आसान है, और उतना ही आसान जो है उसको कस्टमर को आगे सेल करने में है। तो इतनी आसानी के साथ ये बिजनेस चलता है। तो दोस्तों आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज मैं आया हूँ A1 मशीनरीज कंपनी में क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है और गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा कौन सा बिजनेस चलने वाला है ये हम जो है A1 मशीनरीज कंपनी के सर से पूछेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस बता के ही जो है दम लूंगा। जी हाँ दोस्तों, सर के पास आया हूँ तो सर से पूरी जानकारी लेंगे कि सर कौन सा बिजनेस चलता है और मार्केट में जो है सबसे ज्यादा जो गर्मियों में बिजनेस चलने वाला है वो कौन सा है। तो ये पूरी जानकारी देने के लिए A1 मशीनरीज कंपनी के सर हमारे साथ में है और सर से हम जो है पूरी जानकारी लेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ हमारी कंपनी के अंदर। तो सर सबसे पहले आपके बारे में और आपके कंपनी के बारे में थोड़ा सा जो है बता दीजिए। सर मेरा नाम तैयब शेख है और हमारी कंपनी का नाम है A1 मशीनरीज। A1 मशीनरीज जो है बहुत तरह की मशीनें बनाती रहती है। जो मशीनें लघु उद्योग में यूज़ होती है, यानी कि कम से कम लागत के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग तबका है, वो चाह रहा है कि अपने घर से चलने वाला बिजनेस, कम पैसों में चलने वाला बिजनेस मुझे कहाँ से मिलेगा, कहाँ से जानकारी मिलेगी, मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। और ख़ास तौर पे अभी गर्मियों का सीज़न आने वाला है, तो गर्मियों के सीज़न में हमारे पास बहुत सारी 15 से 20 मशीनें हैं जो गर्मियों के टाइम पे आप मशीन को लगा कर अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो और रोज़ाना के 2 से 3 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो। तो आज भी एक मशीन के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो गर्मियों में चलता है, बहुत दबा के चलता है और उसका रिस्पॉन्स भी आपको मार्केट में हर साल मिलता रहता है। तो थोड़ी देर में हम जानते हैं कि हमारा क्या प्रोडक्ट रहने वाला है। तो आज का जो ये बिजनेस आइडिया होने वाला है, ये ऐसा बिजनेस आइडिया है, एक ये ऐसी मशीनरी है, ये ऐसा सेटअप है जो गर्मियों में बहुत चलता है और बाकी दिन भी चलता है, लेकिन गर्मियों के सीजन के अंदर, समर सीजन के अंदर इतना चलता है कि आपके पास कस्टमरों की लाइन लगने वाली है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं डिटेल में, क्या किस तरह का ये बिजनेस है, किस तरह की ये मशीनरीज है, कैसे आपको मिलेगी, इसमें क्या चीज़ का यूज़ होता है, कैसे आपको ये बिजनेस को सेटअप करना है मार्केट के अंदर, तो सारा कुछ इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं। तो सर अभी जो है आपके पास मैं आया हूँ और आज मैं जो है ये पूरी बिजनेस की जानकारी लेकर के ही जाऊंगा। हमारे दर्शक रुके हुए हैं जब तक आप इस बिजनेस के बारे में नहीं बताओगे, और मार्केट में जैसा कि आपने बताया काफी सारे गर्मियों में चलने वाले बिजनेस है, लेकिन हमारे दर्शकों को एक ऐसे बिजनेस की तलाश है जिसके अंदर मेहनत बहुत ज्यादा कम हो, क्योंकि गर्मियों का सीजन 3 से 4 महीना रहता है और उसके अंदर मेहनत अगर ज्यादा होगी तो उसके अंदर जो है इंसान उसी के अंदर रहेगा। हमारे दर्शकों को एक ऐसी मशीन की जरूरत है जिसके अंदर मेहनत कम हो, लागत कम हो और मुनाफा बहुत ज्यादा हो। ये बिजनेस तो जो आपसे लेकर के ही जाऊंगा और हमारे दर्शक रुके हुए हैं कि ये ऐसा बिजनेस आइडिया जो है सुनने के लिए। सर मैंने आपको जैसा बताया, हमारे पास गर्मियों में चलने वाले 15 से 20 अलग अलग मशीनरीज है। आज मैं आपको उनमें से 15 से 20 मशीनों में से एक ऐसी मशीन देता हूँ जिसको चलाना इतना आसान है और जिसका माल, कच्चा माल बनाना भी बहुत आसान है, और उतना ही आसान जो है उसको कस्टमर को आगे सेल करने में है। तो इतनी आसानी के साथ ये बिजनेस चलता है। तो आपके कस्टमर जो है आज का ये वीडियो देखने के बाद बहुत खुश होंगे और हमारे पास से ऐसा बिजनेस आइडिया लेके जाएंगे कि जो उनको रोजाना 2 से 3 हज़ार रुपये कमा के जरूर देगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि सर के पास ऐसी कौन सी मशीन है जिससे आप जो है दिन का 3 से 4 हज़ार रुपए तक की कमाई कर सकते हो, वो भी थोड़ी सी लागत लगा करके, थोड़ी सी मेहनत करके। दोस्तों ये रहा हमारा प्रोडक्ट, आप देख सकते हो कितना शानदार दिखाई दे रहा है।
इस तरह का प्रोडक्ट आपको जो है कमा के देगा रोजाना 2 से 3 हजार रुपए। सर ये कौन सा प्रोडक्ट है और इस तरह का प्रोडक्ट मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, और इस मशीन से कैसे जो है गर्मियों में जो है लोग पैसा कमा सकते हैं? सर ये मशीन को कहा जाता है 3 कंटेनर जूसर मशीन। ये मशीन को कोई अपनी दुकान पे, किराने स्टोर पे, अपना आइसक्रीम पार्लर पे, मेडिकल स्टोर पे, स्टॉल पे, मार्केट में, स्कूल के बाहर कहीं पे भी अगर ये मशीन लगाएगा ना सर जी, तो कस्टमरों की लाइन लगेगी उसके लिए, इतने सारे कस्टमर जमा हो गए, क्योंकि ये गर्मियों में राहत देने वाला, ये जिसमें ये जूस भरा हुआ है, गर्मियों में जो है आदमी जो प्यास से तड़पने लगता है, अगर आप मार्केट में इस प्रोडक्ट को लगाओगे तो जो है आपको कस्टमरों की लाइन लगेगी। क्यों बताता हूँ मैं आपको, इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपल जूस बनाकर डालना है इसके अंदर, ये मशीन उसको ठंडा करती है और जो है ऑटोमेटिकली इसमें मिक्सिंग चलता रहता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं, यहाँ पे ये मिक्सिंग करने के लिए दिया हुआ है, उसके बाद में जो चिलर लगा हुआ है अंदर जो ठंडा करता है जूस को, वो भी दिया हुआ है। जूस कहाँ से डालना होता है सर इसके अंदर? सर इसके अंदर जूस भरना है तो आपको ये जो है ये ओपन हो जाता है, यहाँ से आपको ऊपर से आप इसके अंदर भर सकते हो, उसमें एक टाइम पे 3 अलग अलग फ्लेवर्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हमने ब्लूबेरी फ्लेवर बनाया है, उसके बाद में मैंगो फ्लेवर है, उसके बाद में कोला फ्लेवर है, और सर ये काफी ठंडा कूल लग रहा है मुझे तो, ये जी जी बिल्कुल, ये मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर इतना ठंडा हो जाता है, ये देख सकते हो, ये पूरा जो है अपना ये यहाँ से आपको ठंडक दिखाई देती होगी जी। तो सर अभी जो है आपने इस मशीन के बारे में इतना सब कुछ बता दिया है कि इसके अंदर फ्लेवर इस तरीके से डालना है, इसके अंदर चिलर लगा हुआ है, ये ठंडा करके जो है आप मार्केट में बेच सकते हो। हमारे दर्शकों को जो है एक सवाल अभी जो है खा रहा होगा कि ये जो फ्लेवर्स है इसको कैसे बनाना है, इसका क्या प्रोसेस है, ये भी थोड़ा आप बता दीजिए। तो इसका जो फ्लेवर बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको लाइव बनाकर बताता हूँ तो आपके समझ में आएगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है तो आप इसको लाइव देखिए तो आपके समझ में आने वाला है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये जो आप फ्लेवर की बोतल देख रहे हो इसको तैयार कैसे करना है, सारी जानकारी मैं आप इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको, पूरा टोटल आपको स्टेप बाय स्टेप सारी सब बताऊँगा। आज हमने लिया है टोटल 3 फ्लेवर मेरे पास है, देखिए आप, ये घट मैंगो है और ब्लूबेरी का फ्लेवर है, घट ब्लूबेरी है, उसके बाद में हमने और एक फ्लेवर लिया हुआ यहाँ पे देख सकते हो आप, काला खट्टा फ्लेवर है, ये देखिए दोस्तों, एक साथ हम 3 फ्लेवर बनाने वाले हैं, तीनों का रेसिपी मैं आपको बताऊंगा कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम इस बकेट के अंदर हमने पानी कितना लिया है, एक एक बकेट में मैंने 1.5-1.5 लीटर पानी लिया हुआ है तीनों बकेट के अंदर, और हमारे पास जो चीनी है 1.5-1.5 किलो चीनी है, ठीक है। इसका जो है ये बॉटल से टोटल तैयार होता है 50 लीटर जूस, लेकिन आज हम 12 लीटर ही बनाएंगे केवल, क्योंकि उसी हिसाब से मैं आपका आगे के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ये कैसे तैयार होगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हम बनाते हैं मैंगो फ्लेवर, ये देखिए, सबसे पहले हमको पानी में चीनी मिला लेना है इस तरह से, ये 1.5 लीटर पानी में मैंने 1.5 किलो चीनी मिला ली है दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे मैंगो घट लिक्विड, इसको जो है आपको थोड़ा सा ही ऐड करना है, ओनली 500 ml की बोतल है, 125 ml आपको ऐड करना है। ये देखिए मैंने मैंगो फ्लेवर ऐड कर दिया है, उसके बाद में हमको इसका प्रीमिक्स पाउडर ऐड करना है इसके अंदर दोस्तों। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ये वीडियो को एंड तक देखिए आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इस तरह से, दोस्तों इसको हम मिक्स करते रहेंगे। तब तक मैं आपको दूसरे फ्लेवर की रेसिपी बता देता हूँ कि दूसरा जो फ्लेवर है वो कैसे तैयार होगा। इसका भी जो प्रोसेस दोस्तों लगभग सेम ही रहने वाला है, ये देखिए ये ब्लूबेरी फ्लेवर है,
इसका भी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। इसके लिए भी हमने 1.5 लीटर पानी लिया है। इसमें ऐड करेंगे हम 1.5 किलो चीनी, उसके बाद ऐड करना है आपको ब्लूबेरी लिक्विड, इसको भी आपको 125 ml ही डालना है क्योंकि हम बना रहे हैं टोटल 12 लीटर जूस। अगर आप पूरी बॉटल बना रहे हो तो आपको पूरा लिक्विड डालना है, पूरा पैकेट डालना है और 6 किलो चीनी डालना है और 6 लीटर पानी डालना है। दोस्तों इसका जो आप कलर देख रहे हो दोस्तों ब्लूबेरी का, उसका कलर भी बेहतरीन है, आपको टेस्ट भी जो फ्रूट वाला आता है ब्लूबेरी फ्लेवर में जो आता है फ्रूट के अंदर, वही टेस्ट आपको इसके अंदर मिलने वाला है, एकदम नेचुरल टेस्ट आएगा दोस्तों। उसके बाद ऐड करना है हमको प्रीमिक्स पाउडर 25 ग्राम, दोस्तों अब इसके बाद हमको इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। जब तक दोस्तों ये मिक्स हो रहा है हम आगे का फ्लेवर जान लेते हैं वो कैसे तैयार होगा। हमारा लास्ट जो फ्लेवर है काला खट्टा फ्लेवर, ये काफ़ी लोगों को पसंद आता है, ये फ्लेवर मार्केट में भी बहुत चलता है, इसको भी हम बना लेते हैं। इसका भी सेम प्रोसीजर रहने वाला है, 1.5 लीटर पानी है, 1.5 किलो चीनी ऐड करना है आपको। उसके बाद ऐड करेंगे हम काला खट्टा लिक्विड 125 ml। उसके बाद ऐड करना है प्रीमिक्स पाउडर 25 ग्राम। अब जो है हमको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों आपके सामने देख सकते हो आप, ये तीनों जो फ्लेवर है इसका घट सिरप बनके तैयार हो गया है। अब हमको क्या करना है, ये तीनों भी बकेट्स में 9-9 लीटर आपको पानी ऐड करना है फिल्टर पानी, उसके बाद हमारा 12 लीटर का जो जूस बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं किस तरह इसको जो है मार्केट में सेल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों उसमें पानी ऐड कर लेते हैं। अभी हमने तीनों फ्लेवर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अभी मिक्स करने के बाद हम इसको छान लेंगे एक बार अच्छी तरह से। इसको छानना ज़रूरी है क्योंकि जो हमने प्रीमिक्स पाउडर ऐड करते हैं उसका थोड़ा थोड़ा जो है इसमें पार्टिकल रह जाता है, इसके लिए आपको छानना ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, देखिए हमने ये तीनों फ्लेवर को छान लिया है। अब छानने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें हमको 9 लीटर पानी ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, एक एक फ्लेवर में 9-9 लीटर पानी ऐड करते हैं। ये दोस्तों मेरे जो हाथ में है ये 1 लीटर का जो है ये मग है मेरे पास, इससे मैं अब इसमें पानी ऐड करूँगा। ये हो गया 1 लीटर।
दोस्तों ब्लूबेरी फ्लेवर में हमने पानी ऐड कर लिया है 9 लीटर, अब मैंगो फ्लेवर में ऐड करेंगे। ये देखिए 9 लीटर पानी हमने मैंगो में ऐड कर दिया है, मैंगो फ्लेवर में। अब जो बच गया हमारा काला खट्टा फ्लेवर, उसके अंदर भी हम पानी ऐड कर लेते हैं। दोस्तों हमारे तीनों फ्लेवर बनकर तैयार हो गए। अब हम इसको जूसर कंटेनर मशीन में ऐड करेंगे, उसके बाद ये ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगता है ये फ्लेवर। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में, ये जो आपको दिख रही है 3 कंटेनर जूसर मशीन है। दोस्तों इसके अंदर चिलर इनबिल्ट होता है, इसके अंदर आपको जूस डाल देना है ऊपर कंटेनर में। ये तीनों कंटेनर 15-15 लीटर के कंटेनर है, इसमें आप तीनों अलग अलग फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, और जब भी कस्टमर डिमांड करता है वो हिसाब से आप फ्लेवर उनको निकाल कर दे सकते हैं। इसके अंदर इसकी खास बात ये है, इसमें जूस ठंडा होता है और इसकी मदद से जूस मिक्स होते रहता है कंटिन्यू, इसके लिए इसका टेस्ट जो है हमेशा बरकरार रहता है। अभी हम आपको ऐड करके दिखाते हैं इसके अंदर फ्लेवर कैसे आपको इसमें डालना है। सबसे पहले जो है हमारे पास आगे है काला खट्टा फ्लेवर, ये देख सकते हो आप, इसको जो है मैं इसमें ऐड करूँगा। दोस्तों देखने में तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा लग रहा है। अभी थोड़ी देर में इसको हम टेस्ट करके बताएंगे कैसा लगता है ये पीने के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो फ्लेवर, जो है सबसे बेस्ट फ्लेवर, फलों का राजा कहा जाता है जिसको। ये है हमारा मैंगो फ्लेवर। इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा ब्लूबेरी फ्लेवर। ये ब्लूबेरी फ्लेवर है। तीनों फ्लेवर ऐड हो चुके हैं दोस्तों। ये जो है 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ये कूलिंग करना चालू हो जाएगा, उसके बाद हम टेस्ट करके बताएंगे किस तरह ये फ्लेवर लगता है हमको पीने के लिए। तो देखा दोस्तों, सर ने जो है किस तरह से फ्लेवर बनाया, किस तरीके से जो उसके अंदर चीनी और पानी ऐड किया, फ्लेवर ऐड किया। सर आपने इतना सारा प्रोसेस करके जो फ्लेवर को बना लिया है और इसके अंदर जो आपने ऐड भी कर लिया है। अब सवाल यह है कि लोग जो है हमारे दर्शक इसको मार्केट में कैसे सेल करेंगे और कैसे जो है पैसे कमा पाएंगे। सर देखिए बहुत आसान सा है, आपने अपने फ्लेवर का वीडियो देख लिया किस तरह बनाना है। फ्लेवर बनाने के बाद इसके अंदर आपको भर देना है जी, ये भी बहुत आसान है जी। उसके बाद में ये ग्लास लेना है आपको जी, इस तरह का ग्लास आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, होलसेल भाव में ग्लास लेना है जी। 30 से 40 पैसे का एक ग्लास पड़ता है। उसके बाद में क्या करना है, इस तरह से जी इसको प्रेस कर देना है, ये देखिए। यानी कि ये प्रेस करने के बाद में जो फ्लेवर निकलता है जी जी, ये इसको ग्लास से इस तरह दबा दोगे तो ये आपका ग्लास भरना चालू हो जाएगा। ये मैंने अभी निकाला है ब्लूबेरी फ्लेवर जी, इस तरह आपने निकाला मशीन में से, कस्टमर आएगा, कस्टमर को ये देना है, कस्टमर जो है तुरंत उसको पी के आनंद उठाएगा उसका। और सर ये जो ग्लास है इसको जो है ये कितने में बन करके रेडी होता है और जो है इसको मार्केट में कितने में सेल कर सकते हैं, एक ग्लास के पीछे कितना प्रॉफिट होगा? सर एक ग्लास तैयार होने के लिए मैंने जैसे बताया आपको 30 से 40 पैसा आपका ग्लास का लग जाता है, उसके बाद में 60 से 70 पैसा आपका इसमें जो फ्लेवर जा रहा है वो लग जाएगा 70 पैसे से 1 रुपये तक। उसके बाद में 30 से 40 पैसा पकड़िए आपका जो इसमें बिजली खर्च हो रहा है उसका, ठीक है, सारा कुछ पकड़ के आपको 2 रुपये में तैयार हो सकता है, ये तैयार हो जाएगा आपका एक ग्लास। इसको आपको 10 रुपये में बेचना है, यानी कि 8 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। अगर दिन भर में आप 100 ग्लास भी बेच पाते हो तो आपको आराम से जो है 800 रुपये का प्रॉफिट होगा। गर्मियों के सीजन में तो दिन में आप 100, 200, 300, 400, 500 तक की ग्लासें आराम से बिक जाता है।
तो सर अभी जो है आपने ये लाइट डेमो भी बता दिया है, मुझे एक बात अभी जो है समझ नहीं आ रही कि आपने जो इसके अंदर तीन फ्लेवर बनाए, जैसे कि आपने बताया ये ब्लूबेरी है, ये मैंगो है और ये जो है काला खट्टा है, इसके अंदर बस इतने ही फ्लेवर्स आते हैं या और भी फ्लेवर का जो ऑप्शन है? अभी देखिए सर, हमने तीन फ्लेवर बनाया है, तीन फ्लेवर आपको इसको कस्टमर को सेल करिए, अगर कोई खत्म हो गया फ्लेवर तो इसमें आप दूसरा भी बनाकर डाल सकते हो। कितने फ्लेवर्स आते हैं आपके पास इसके अंदर? सर हमारे पास मशीन लेने पे आपको, जब मशीन आप मंगवा लोगे उसके बाद आपको 13 फ्लेवर्स के ऑप्शन मिलेंगे जी। इसमें से 13 फ्लेवर में आपको जो भी पसंद आता है वो मंगा सकते हो, आपके एरिया में जो फ्लेवर चल रहे हैं वो हिसाब से आप मंगा सकते हो। अगर मैं नाम बताऊँ आपको, मैंगो है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, लीची है, गावा है, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, लेमन, काला खट्टा, उसके बाद में मिक्स फ्रूट आता है, उसके बाद में इमली आता है, कोला आता है, जीरा मसाला आता है, फ्रूट बियर आता है, उसके बाद में आपको इसमें देखा जाए तो लेमन फ्लेवर आता है, इतने सारे फ्लेवर्स इसमें मिलते हैं जी। और इसके अंदर तीन फ्लेवर का ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे कि अगर कस्टमर कोई आके डिमांड करता है कि मुझे मैंगो पीना है, ठीक है, कोई बोलता है मुझे कोला पीना है, कोई बोलता है ब्लूबेरी पीना है, तो इसलिए आप जो है कस्टमर आने पे उसको, कस्टमर को आपको वापस नहीं जाएगा आपका, कस्टमर आपके पास आएगा तो आपका जूस वगैरह पीकर ही जाएगा। तो सर अभी जो है आपने बताया कि ये 3 कंटेनर मशीन है, इसके अंदर जो है 2 कंटेनर भी आएगी या सिंगल कंटेनर या सिर्फ 3 कंटेनर की जो मशीन आएगी? नहीं सर, जिसको जैसा लेना है वो हिसाब से मंगवा सकता है, इसमें 2 कंटेनर भी आती है और सिंगल कंटेनर चाहिए सिंगल कंटेनर भी मिल जाएगी, अगर इसको 3 कंटेनर चाहिए 3 कंटेनर मंगा सकता है। तो सर अभी जो है मुझे तो ये बिजनेस काफी पसंद आया और ये जो बिजनेस है मार्केट में चलेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और हमारे दर्शकों को भी ये बिजनेस जो पसंद आया होगा। अगर हमारा कोई दर्शक इसको मंगवाना चाहता है, जैसे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे दर्शक देख रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये मशीन उनके घर तक कैसे पहुंचा दी जाएगी? सर अगर किसी को मंगवाना चाह रहा है कोई कस्टमर आपका ये वीडियो देखकर, आपके दर्शक मंगवाना चाह रहे हैं, तो वीडियो पे हमारे नंबर्स दिख रहे होंगे उनको, वो नंबर पे कांटेक्ट करके जो है हमारे पास कांटेक्ट करके मशीन की जानकारी लेने के बाद जो थोड़ा बहुत एडवांस पेमेंट करके 20-30% एडवांस पेमेंट करके वो अपने घर पर ये मशीन मंगवा सकता है। आपको बचा हुआ पेमेंट जो है जब आपका डिलीवरी बॉय आपकी शिपमेंट लेकर आएगा, आपका सामान लेकर आएगा, मशीन लेकर आएगा, एक हाथ से आपको मशीन लेना है, एक हाथ से आपको बचा हुआ पेमेंट करना है। अगर कोई इसको फुल पेमेंट देके मंगवा रहा है डायरेक्टली तो उसको उसको डिस्काउंट मिलने वाला है, वो डिस्काउंट आपको कॉल करने के बाद ही पता चलेगा। और जैसे कि जिसको विजिट करना होता है, बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं आकर देखकर ही लेकर जाऊंगा, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है हमारी कंपनी के अंदर। अगर आपको आना चाहते हो तो प्लीज आइए, आपको अगर एड्रेस चाहिए तो एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल करके भी हमारे स्टाफ से एड्रेस लेकर यहाँ पे विजिट कर सकते हो। और एक दूसरी एक बात बता दूँ, हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी देते हैं, गांव में, शहर में, छोटे से कस्बे में, देहात में, हर जगह आपको डिलीवरी मिलेगी। इंडिया से बाहर भी हम मशीनें भेजते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कॉल करके अभी के अभी ऑर्डर करिए। तो देखा दोस्तों, सर ने पूरी जानकारी दे दी है कि कैसे आपको मशीन मंगवाना है, थोड़ा सा बुकिंग अमाउंट देकर आप इस मशीन को कैश ऑन डिलीवरी पर जो है मंगवा सकते हो। तो दोस्तों ये मौका आपके हाथ से जाने नहीं पाए, क्योंकि ये बिजनेस मार्केट में चलेगा नहीं दोस्तों, दौड़ेगा, और इसके अंदर कम लागत है, कम मेहनत है, लेकिन मुनाफा बहुत ही ज्यादा है। तो देरी किस बात की दोस्तों, अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अभी इस मशीन को बुक करके जो है अपने बिजनेस की शुरुआत करें। फिर मिलेंगे ऐसे बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।